टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें, मुमरा से पाँचवीं और छठवीं फास्ट रेलवे लाइन का काम 2018 में शुरू किया गया था और इस काम का जायज़ा लेने के लिए आज खासदार श्रीकांत शिंदे ने यहां मुमरा रेलवे स्टेशन पर विज़िट किया कि किस तरह का ये पाँचवीं और छठवीं फास्ट लाइन का काम यहां पर किया जा रहा है। दरअसल मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए श्रीकांत शिंदे ने ये भी कहा कि 2022 फरवरी तक जो है ये पाँचवीं और छठवीं रेलवे लाइन का काम पूरा हो जाएगा और लगभग जो ये ब्रिज आप देख रहे हैं, इस ब्रिज का भी काम पूरा होने को है। इसी जानकारी श्रीकांत शिंदे ने दी है। साफ तौर पर उनका कहना है कि जिस तरह से मेल एक्सप्रेस गाड़ियों के जाने के वक्त जो है लोकल ट्रेनें जो है 2 से 3 की संख्या में उन्हें रोकना पड़ता था, उसके बाद जो है मेल और एक्सप्रेस गाड़ियां जो है उन्हें जाने दिया जाता था और इस पाँचवीं और छठवीं फास्ट रेलवे लाइन की जो है शुरू होने की वजह से लोकल ट्रेनें जो हैं वो बाधित नहीं होंगी, सबकी अलग अलग रूट रहेंगी, सब लोकल ट्रेनें और मेल एक्सप्रेस ट्रेनें अपनी अपनी रूट से जाएंगी। ख़ास तौर पर जिस तरह से आज उन्होंने विजिट किया, उन्होंने जो काम हो रहा है यहाँ पर इस काम का जायज़ा लिया और इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। सर, आप आज ने यहाँ पर दौरा किया, पाँचवीं और छठवीं लाइन का जो है 2018 में काम शुरू किया गया था, कब तक ये काम पूरा हो जाएगा, कब तक चालू होगी? आज जो हम देख रहे हैं यहाँ पर पाँचवीं और छठी लाइन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। जो जो रेलवे से सफ़र करते हैं, आज सबसे ज़्यादा लोग जो है वो कल्याण हो, अंबरनाथ हो, मुंबई का मैन पावर जो है वो पूरा कल्याण, अंबरनाथ, ठाणे इस जगह से आता है और हम बहुत सालों से इसके लिए कोशिश कर रहे थे। एक्चुअल में काम अलॉट हुआ 2008-09, उसके बाद में बहुत सारी उसके अंदर दिक्कतें आई, लेकिन एक्चुअल काम जो है वो फॉलोअप के बाद 2018 में शुरू हुआ। जो जो उसके अंदर हर्डल्स थे, जो जो कठिनाइयाँ थे, वो कठिनाइयाँ दूर करने का काम हमने 2018 से शुरू किया और आज 2018 से 2021 इतने 3-4 सालों में आज ये पाँचवीं और छठी लाइन जो है पूरी होती है, हमें नज़र आ रही है। आने वाले फेब्रुवरी तक 2022 ये पूरी लाइन जो है वो तैयार हो जाएगी, जिससे बड़े पैमाने पर अतिरिक्त लोकल सर्विसेज जो है वो हमें यहाँ पर चलाने के लिए मिलेगी। अभी तक क्या हो रहा था, कोई भी एक्सप्रेस गाड़ी आएगी तो लोकल को रुकना पड़ता था, लेकिन जब ही पाँचवीं और छठी लाइन आ जाएगी, ऑपरेशनल हो जाएगी, तभी हर 2 लाइन स्लो के लिए, 2 लाइन फास्ट के लिए और 2 लाइन एक्सप्रेस के लिए, कहीं भी लोकमान्य तिलक टर्मिनल से कल्याण तक कहीं भी एक्सप्रेस गाड़ी के लिए लोकल को रुकना नहीं पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में जब भी एक्सप्रेस गाड़ी आती है, तभी हर एक्सप्रेस गाड़ी के पीछे 3 लोकल हैम्पर होती है, 3 सर्विसेज हैम्पर होती है, तो आने वाले समय में ये सब होगा नहीं और 25 से 26 सर्विसेज, उससे भी ज़्यादा यहाँ पर हमें अतिरिक्त बढ़ सकती है। तो इसके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट इस कल्याण लोकसभा के लिए और आज वो उसका काम जो है वो लास्ट स्टेज में है, हमें देखने के लिए मिल रहा है। जल्द से जल्द ये ऑपरेशनल कैसे होगा, इसके लिए हमारा प्रयास और MRVC काम पूरी जोरों शोरों से शुरू है। कोविड के दरमियान थोड़ा काम रुक गया था, लेकिन फिर से काम शुरू हो चुका है, तो आज फिर से ये काम शुरू हो गया है और आने वाले फेब्रुवरी तक ये काम पूरा होगा और लोगों को अतिरिक्त सर्विसेज जो है वो मिलेगी।